प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा होगी पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शंकर अय्यर साहब, अगर भारत के गृह मंत्री को और भारत के योद्धाओं को और भारत के वीरों को और भारत में हम जैसी कन्याओं को, पुत्रियों को ये डराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है, तो मैं मनीष शंकर अय्यर से लेकर के राहुल बाबा तक, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है, मैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शैला आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो भी वो खर्ज में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान उस एटमी ताकत को इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो खर्ज हुआ। हमारा एटम बम भी है, नहीं रखा हुआ किसी के पास। अब मैं आती हूँ आपके, आपको ये बताने के लिए कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों। तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा लगता है। खुशहाली किसको नहीं अच्छी लगती है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसको पढ़ा लिखा देखना चाहोगी, इंजीनियर डॉक्टर जज वकील देखना चाहोगी, किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हम जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की सड़कें अच्छी हो, ये किसको नहीं अच्छा लगता है? उस देश में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े कारोबार की जगह हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये किसको नहीं पसंद आता है? देखो, घर का छत, हॉस्पिटल, राशन, पानी, बिजली, ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से आती है। तो एटलीस्ट ये चीजों की जरूरत तो होती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि भाई हमें मदरसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुसलमान है, अपने बच्चे को दीनी तालीम हम खुद दे देंगे। और थूक है हम जैसे लोगों पर अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेज रहे हैं दीनी तालीम के लिए। चार कुल पढ़ाने के लिए, अत्तयात पढ़ाने के लिए, आयतल कुर्सी पढ़ाने के लिए, सूर्य फतह पढ़ाने के लिए अगर हमें अपने पैदा किए हुए औलाद को मदरसा भेजना पड़ रहा है, तो हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया हमें स्कूल दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें हमें अच्छी सड़कें दो, हमें अनाज दो, हमें बिजली दो, हमें पानी दो, जो बेसिक जरूरियात है वो हमें दो। अब तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है। शैला, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेसी जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और एक अंदरूनी मोहब्बत है कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, और जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनको एक अंदरूनी मोहब्बत है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फरहाद हकीम भी हर वक्त बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अभी चारमीनार से होकर के आई, मैंने फोटोज भी आपके साथ शेयर किया और मैं माधवी लता जी की कंपेनिंग करके आई। मुझे चारमीनार पे जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी है, ऐसा ही मुझे एहसास हुआ। हलाला सेंटर वहां भी खुला, आपके पाकिस्तान में भी खुला। मुत्ता सेंटर वहां पर भी खुला हुआ, आपके पाकिस्तान में भी खुला हुआ। हजाब में लड़कियां सिमटी हुई और अपने आप में डरी हुई, सहमी हुई, मैंने चार मीनार पर भी, ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी देखा और ये पाकिस्तान में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है, जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे
मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कचाएंगे, अपने अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और वहां के लोगों को तरक्की याफ्ता बनाना, वहां के लोगों को कारोबार देना, वहां के लोगों को शिक्षित करना, वहां के लोगों को इंसान बनाना, वहां के लोगों के हाथ से तलवार हटा करके, बम जो दिमाग में है वो हटा करके शिक्षा कैसे देना है, वो तो हमने हालिया में जम्मू एंड कश्मीर में दिया ना, हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है हमने दिया, सारे युवाओं और बच्चों के हाथ से हमने तलवार मशाल और पत्थर हटा दिया। आज देखिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी युवा के हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। उसी तरीके से जब पीओके के बाशिंदा हमारे भारत का अटूट हिस्सा हो जाएंगे तो उनके हाथ से भी हम मशाल, तलवार और बम बारूद हटा देंगे और हाथ में हम कलम, पेंसिल, किताब सब कुछ दे देंगे। चले, ये तो एज अ भारतीय आपकी सोच है, क्योंकि हम तो अपने कश्मीर को आजाद कश्मीर कहते हैं और हालात ऐसे नहीं होने थे। असिस्टेंट कमिश्नर की गलती की वजह से आवाम के अंदर जो है ये आग भड़की, लेकिन जहां पर डेवलपमेंट की बात आई, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये एक ऐसा टैक्टिक्स है कि वो कश्मीर के अंदर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेगा, करता चला जा रहा है। पाकिस्तानी साइड का आज़ाद कश्मीर उसको देखेगा, उनके अंदर तरक्की से जो कहते हैं ना, वो एक जेलसी है, वो जेलसी उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी, वो सरकार के आगे उसी तरह की डिमांड्स रखते जाएंगे और हालात में भी हो सकता है बेहतर हो जाए, में भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लेकिन आज कल में पता चल जाएगा कि क्या उनकी डिमांड्स हुकूमत ने मानी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी कि जिस तरीके से हमारे भारत की इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पर जा रही है, जिस तरह से हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर है, जिस तरह से हमारी जीडीपी आज 8% पर आ चुकी है, जो कभी 2% 3% हुआ करती थी कांग्रेस के ईरा में, तो उस तरीके से अगर देखा जाए और जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को अपनी आंखों से पीओके देख करके, कहीं ना कहीं तो ये एहसास बिल्कुल हो रहा है ना कि हमारी भी नसीब इतनी चमक सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1947 की आजादी की तरह, नेहरू और गांधी के मतलब स्ट्रैटेजी की तरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाखों लोगों की जाने जाएंगी, कई लोग फांसी पर चढ़ेंगे, भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाया जाएगा और गांधी जी हंसेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होने दिया जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, ये जो गृह मंत्री है ना, इनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, और चाणक्य की किताबें जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब लोग आंख से डरते हैं तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, जब लोग मोहब्बत से समझते हैं तो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को देख करके आज पीओके आटा, चावल, बिजली से आजादी के नारे लगाने लगा है, और मुझे जहां तक लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही, एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मीज ने, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत पहले ही पीओके को अपना नहीं समझा था, बिल्कुल नहीं समझा था। बार बार आप देखिएगा आजाद कश्मीर पर वहां के लोग आजाद होने भी तो चाहिए। आपके यहाँ पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एफआईआर तो पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से कटता है, कानूनी कार्रवाई तो पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से होती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार किसी भी तरीके की कोई भी सहूलत, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो सहूलियात देने की होनी चाहिए, उनका जो एक लीगल राइट होना चाहिए, उनका जो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, पीओके के बाशिंदाओं का जो एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, वो तो उनको मिल नहीं रहा है, वो तो उनको ना पहले मिला और ना अब मिल रहा है। तो इट्स बेटर ना कि जो उन्होंने अपना एक नारा लगाया है कि बिजली आटा से अब आजादी चाहिए, और देखिए अभी 11 तारीख की बात है भाई कि 9 पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर घुस करके मार दिया गया, मतलब वर्दी में गुंडागर्दी। ये पाकिस्तान आर्मी वर्दी पहनती है ना, गुंडागर्दी करती है। हमारे यहाँ जैसे बंगाल में वर्दी में गुंडागर्दी हो रही है, उसी तरीके से पीओके में हो रहा है। भाई इंसान को इंसान समझना चाहिए ना। एक बार जिन्ना, नेहरू और गांधी ने आजादी दिलाई थी तो भाई शमशान और कब्रिस्तान का तो के तो वारे नियारे हो गए थे, जब देखो लोग मर रहे हैं, जब देखो लोग मर रहे हैं।
और एक अभी बात हो रही है पीओके लेने की, लेकिन देखिए तरक्की पर हो रही है बात, सक्सेस पर हो रही है बात, सहूलियत पर हो रही है बात, एक व्यक्ति की जान नहीं जाने की ज्यादा परवाह की जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर फ्लड आता है तो अगर कोई एक जानवर भी बहता हुआ नजर आता है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी आती है, पूरा फोर्स आता है उस जानवर को बचाने के लिए पानी से, कि वो बह जाए, बह ना जाए, कहीं उसकी जान ना चली जाए। तो जब आप सोचिए कि जो देश भारत एक जानवर के लिए हृदय में इतनी मोहब्बत रखता है, तो वो पीओके के रहने वाले बाशिंदाओं के लिए कितनी अहमियत रखता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाज़िया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया अली खान जी ने खासकर बात की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस आमने सामने और कई सारे लोगों की मौत और इंजर्ड होने की खबर भी सामने आ रही है। और हम जैसे कि जानते हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तेजी से तरक्की हो रही है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत की तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि क्या भारत को जल्द से जल्द पीओके को अपने में विलय कर लेना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।